हाय दोस्तों, आज 10 मार्च है और एक छोटा सा पेनी स्टॉक लेके आया था। ये कभी 500-600 रुपये का हुआ करता था, आज अभी 7 रुपये का है। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं था, एक पेनी स्टॉक के रूप में आप लीजिएगा इसको। पेनी स्टॉक ट्रेड करते हैं तो ट्रेड कीजिएगा। इसमें भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो रहा था। आप रिसेंटली देखेंगे तो पहले जहाँ पे 2 करोड़ 77 लाख 99 हज़ार का हुआ करता था, 20 करोड़, 25 करोड़, 24 करोड़, और हर लेवल पे जो बाइंग हो रही है उसके बाद प्राइस एक्शन में ऊपर की ओर जा रहा है। तो शायद एक बार आपको ये 9, 10, 12 तक जाते हुए दिखेगा आपको। तो सिर्फ ये ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए था, कोई डिलीवरी पर्पज़ के लिए इसलिए नहीं था कि मैं आपको एक बार इसके फाइनेंशियल वगैरह सब चीज़ बता देता हूँ। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड जो है रिन्यूबल एनर्जी सोल्यूशन में काम करती है, और ऐसे ही इसका सारे रिन्यूबल एनर्जी के काम अभी थोड़ा खराब चल रहा है। दी कंपनीज प्रोडक्शन ऑफ विंड टर्बाइन, इट ऑफर्स ए रेंज ऑफ सोलर एनर्जी सोल्यूशन सच एज सोलर इरिगेशन, लैंड एक्विजिशन, अप्रूवल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर एवेगेशन, सप्लाई चेन इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग ऑफ लाइफ साइकिल एसेट मैनेजमेंट। इट ऑफर्स S97, S111 एंड क्लासिक फिट। इसका देखेंगे तो आप सेल्स निगेटिव है, फेस वैल्यू 2 रुपये की, ऑपरेटिंग मार्जिन सिर्फ 1.67 है। इंटरेस्ट देखिए, इसके पास डेप्ट 12,000 करोड़ का है, ये एक सबसे बड़ा बैक है इसका, और इसको ये भर भी रहा है कोशिश करके। कैश कैश इक्विवेलेंट तो दिखता है थोड़ा सा, 581 क्या है इसके पास। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निगेटिव है, तो इसलिए मैं नहीं बोलूंगा कि आप इसको जाके बाय कर लीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। और एक चीज़ है निगेटिव इसका, प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 19% है, और उसमें से 77% तो गिरवी रखा हुआ है। FI बाहर निकल के जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड बाहर निकल के जा रहे हैं, तो मेरा एकदम रिकमेंडेशन नहीं भाई। लेकिन किसी किसी को अगर ट्रेडिंग करना है शॉर्ट चीज के लिए, तो एक देखिएगा रिकमेंडेशन के आर चौकसी ने दिया हुआ था 24 अगस्त को, 7 रुपये 18 पैसे सस्ते पे चल रहा था, तो 15.80 के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। तो जस्ट आपके नॉलेज इन्फॉर्मेशन के लिए है। अगर मैं इसका रिटर्न कहूँ तो ह्यू देखिएगा, अभी यहाँ पे 1 डे में 5%, 1 वीक में 22, 1 मंथ में 97, 3 मंथ में 41, लेकिन उसके पहले के निगेटिव सब जीरो कर दिया है इसने। तो अभी रिसेंट YTD 35% का रिटर्न दे रहा है, तो कहीं ना कहीं तो इसमें सब घाट है। तो ये आपके पोर्टफोलियो में हो तो पेनी स्टॉक की तरह लीजिएगा, 500 क्वांटिटी, 600 क्वांटिटी, ताकि आपको बहुत पैसा इसमें जाके नहीं फंसे। डेरिवेटिव ओपिनियन भी इसका देखेंगे तो एक बार क्या दिखा रहा है ये। एट द मनी 7:35 चल रहा है, तो 7 पे अगर एट द मनी जाकर के, एट द मनी 7 पे देखे तो 22,04,000 से की बाइंग हो रही है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, मतलब बाइंग चल रही है। और ओपन इंटरेस्ट एक टोटल क्यूमुलेटिव 1,37,00,000 का है, तो यहाँ पे 7 रुपये पे चल रहा है। और ऊपर की ओर देखिए तो हर लेवल पे 29 लाख, 19 लाख, 22 लाख, सब जगह बाइंग और एक्यूमुलेट हो रही है। इसका जो लॉट साइजेस 76 है, 76,000 का एक लॉट होता है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 रुपये पे भी शॉर्टिंग चालू हो गई है, 26 लाख से शॉर्टिंग हो रही है। तो 7 रुपये पे अच्छा खासा सपोर्ट है, 81,32,000 का सपोर्ट है। तो लगता है कि 7 रुपये के सपोर्ट को ये मेंटेन करेगा, और एक बार हो सकता है कि ये आपको 10, जहाँ पे कि क्यों 1,63,40,000 का ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ तक जाते हुए आपको देख 10 की ओर जाते हुए देख सकते हैं, और यहाँ 13-14 भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये एक केवल एक जुआ की तरह है, पेनी स्टॉक है, इसमें कोई भी ओपिनियन नहीं है मेरा। अभी रिसेंटली जो ट्रेंड चल रहा था, वीकली ट्रेंड देखेंगे तो देखिए वॉल्यूम भी ह्यूज है और अपर वॉल्यूम है, बाइंग भी अपसाइड है, या हैमर पैटर्न है उसको तोड़ दे, वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो लग रहा है कि एक बार ये इसमें थोड़ा सा एक सुबुगाट चालू हुआ है, स्पाइक चालू हुई है, जो कि इसको 10-12 तक लेके जा सकता है। लेकिन इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, किसी तरह का कोई ओपिनियन नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जब ये हाई बनाया हुआ है यहाँ पे 458 के आसपास और फॉल हुआ है, तो लगभग ये 1/6/2009 से जो फॉल के पैटर्न को बनाया है, कंटिन्यू अपने पैटर्न को यहीं पे स्टेगनेंसी के रूप में खड़ा किया है। मैं 2011 से एटलीस्ट देखेंगे तो इसी लेवल को खड़ा किया है। यहाँ पे इसने 19 रुपये का बनाया था और उसके बाद 8 रुपये का बनाया था, तो जो इसका लो बना हुआ ऑलरेडी, इसका जो लो बना हुआ है 52 वीक लो देखेंगे 2.75 रुपये का, और हाई जो बनाया 12.40 रुपये का। तो हो सकता है कि इस बार एक बार हाई की ओर स्पाइक लेते हुए जाए। और अगर वेटेड एवरेज, वॉल्यूम वेटेड एवरेज भी एक बार देखने की कोशिश करें तो जहां 7:21 की जगह 7:30 का क्लोजिंग दिया, अपसाइड पॉजिटिव ट्रेंड में क्लोजिंग दिया, जहां वॉल्यूम वेटेड 7:21 मांगता है वहां पे 7:30 की क्लोजिंग दे रहा है।
तो एक पॉजिटिव सा ट्रेंड हो दिख रहा है, एक बाइंग हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पे आप देखेंगे वॉल्यूम 2 करोड़ 22 करोड़ 39 लाख 9 हज़ार, 20 करोड़ 25 करोड़ 24 करोड़, तो सुजलॉन में कहीं ना कहीं एक स्पाइक चल रहा है, वॉल्यूम चल रहा है। आप इसे वॉच लिस्ट रख सकते हैं, देख सकते हैं। तो सुजलॉन एनर्जी पे एक छोटा सा अपडेट था। ये एक पेनी स्टॉक है, इसको पेनी स्टॉक की तरह ही ट्रीट करें, इससे ज़्यादा ये कुछ भी अभी नहीं देने को है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।